क्या दे जिगल दे जिगल दे जिगल दे जिगल दे 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 जिगल दे जिगल दे दे जिगल दे help me dude stop let me go क्या राजा भोस ठीक है पंछी बनू उड़ते फिरूं मत खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया तो यार मेरे भाइयों क्या हाल चाल है। तो देखो यार मैंने बहुत दिन से ना मैंने कोई वीडियो डाला है ना मैंने कोई लाइव स्ट्रीम किए, तो उसका सबसे पहला रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा कि भाई मैं दिवाली के टाइम पे मतलब हमारे घर में काम चल रहा था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, और वो काम करने में मैं खुद व्यस्त था इसलिए मैं बहुत दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, और वाईफाई वगैरह राउटर वगैरह वो पूरा इधर उधर पड़ा रहता था तो इसलिए बेसिकली मैं स्ट्रीम भी नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही कुछ रीज़न था इसलिए मैंने आपको स्ट्रीम भी नहीं की और मैंने वीडियो भी नहीं डाला। तो मैंने सोचा कि यार बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं डाले तो आज वीडियो डाले थे, लेकिन सबसे पहले इसको उड़ाते हैं। तो फिर मैंने अभी रात के शायद कितने बजे पता है क्या, रात के 2:15 मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वीडियो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। और आप तो बोलोगे यार वन वी आप तो सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने वाले थे तो आपने क्लिक बेट कर दिया, तो रुको जरा यार जो मेरे 3 टीममेट है ना वो मेरे कुछ काम के नहीं आने वाले, तो चले गेम पे शुरू करते हैं, तो बाद में जाके मरेंगे और गेम सोलो से स्क्वाड ही होने वाला है। अब इस बंदे को सुनना, स्टार्टिंग में मेरे को अभी तक मुझे बॉट लग रहा है और ये अभी भी मुझे बॉट लग रहा है, लेकिन जब मैंने इसका नाम पढ़ा तो भाई ऐसा नाम का तो बॉट होता ही नहीं है। तो ये बंदा पता नहीं क्या फूक के आया था लेकिन हमने इसको मार दिया, और अब इसके बाद जो आप देखने वाले ना वो शॉट देखने के बाद आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो 200% यार ये वो शॉट नहीं है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो शॉट थोड़ा इसके बाद में आएगा, वो तो मुझे थोड़ा वॉइस ओवर में मिस्टेक हो गया था। तो यार क्या बोलते हो, थाकी ने एकदम जबरदस्त शॉट, मतलब उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि सॉरी उसको भी अगर जब पता चलेगा कि भाई ये नोस्कोप मैंने उसको मारा तो भाई वो हिल जाएगा। तो यार क्या कर रहे हो गाइस, इस बात पे तो जरूर चैनल को एक सब्सक्राइब करते हैं, और अगर चाहो तो वीडियो को जरूर से लाइक भी कर देना, और जल्दी से जल्दी हम 750 सब्सक्राइबर्स हिट करें ऐसा मुझे लगता है। तो यार ये वीडियो जरूर से अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब देखो यहाँ पर मुझे ऑम मिल जाते हैं, दो दो ऑम लेके अब मैं रश करने के लिए निकल पड़ा हूँ। और देखो वहाँ से जब जो घर है वहाँ से मुझे ये बंदा जंप करते हुए देखा था। ठीक है, तो अभी इस बंदे को मैं देखना क्या ही मारूंगा, मतलब भाई रनिंग हेडशॉट। तो इस हेडशॉट के लिए आप वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, और मैंने तभी के तभी इसको फिनिश कर दिया क्योंकि यार देखो अभी यहाँ पे कितने बंदे मुझे पता नहीं था, मुझे अकेले ही खेलना है तो मुझे मेरे किल्स जरूर सिक्योर करने पड़ेंगे, क्योंकि यार कम किल्स होंगे तो कोई गेम प्ले मेरा दिखेगा नहीं। तो अभी देखो यहाँ पे 3 नंबर फाइट कर रहा है और थोड़ी देर में 3 नंबर के आत्मा को भी शांति मिलने वाली है। तो जैसा कि मैंने कहा था 3 नंबर के आत्मा को शांति मिल चुके है और ये पूरी तरह से सोलो से स्क्वाड गेम प्ले हो चुका है, तो आप बस वीडियो में बने रहे क्योंकि अभी से जो रियल वाला इंटेंस गेम प्ले वो आने वाला है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, जो लेफ्ट साइड में जो स्क्वाड हाउस है उसके पास के घर पे मुझे ये बंदा स्पॉट होता है, तो यार इसको मारने के लिए मैं मतलब देख रहा था कि भाई ये कहाँ पे जा रहा है, क्योंकि वो भी किसी से फाइट ले रहा था। ठीक है, अब मैं ये मौका ढूंढ रहा था मैं कब उसको ख़त्म कर सकूँ, और अब देखना है मैं उसको कैसे मारता हूँ। तो यार बंदा वहां से तो बच के निकल पाता है लेकिन अब ये बच नहीं पाएगा। ठीक है, देखना है। तो भाई मैंने बहुत बार कोशिश की मैं उसको रनिंग नहीं पा पाया, तो अब देखना कि मैं उसको
क्या ही मारता हूँ, हेडशॉट तो नहीं होगा लेकिन यार इसको बहुत बहुत गंदा मारा भाई, मतलब इतने दूर से मैं नहीं मार पाया उसको। और जब वो क्लोज आया तो भाई क्या ही बॉडी पड़ा, और ओम का बॉडी भी बहुत खतरनाक होता है, शायद बंदे के पास लेवल 1 या 1 की वेस्ट होगी इसलिए इजीली मर गया। तो इससे मैंने सारी AWM की एमओ भर ली और वापस से मैं उस घर में जाके बैठ गया, क्योंकि भाई जो वो ये जो घर है ना मिल्टा में, उससे आपको पूरी मिल्टा का जो पूरा जो एरिया है ना वो कवर हो जाए, सब तरह से आप देख सकते हो कि बंदे कहाँ है और कहाँ नहीं। अब देखो गाइस इस घर पे मुझे ये बंदा स्पॉट हो चुका है, लेकिन यार ये बंदा इतना हिल रहा है कि मेरे से मारा नहीं जा रहा है, तो अब इस बंदे को मैं देखना मैं क्या ही मारूंगा, मतलब हेड ही बैठेगा इसको, अब देखना बस। तो गाइस विनोद को हम मार चुके हैं, तो भाई कतई मजा गया। लेकिन देखो गाइस ये इस बंदे से छुप रहा था, तो अब इस बंदे को मारना भी बनता है, ठीक है। तो अभी यार यहाँ पर मैं मिस कर जाता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे साइड चेंज करके मारता हूँ, और उस बंदे को लगता है कि मैं वहीं से पीक लूंगा। जुबेर भाई क्या गुंडा बनेगा तू, तो इसलिए मैंने लेफ्ट से पीक लिया और उसको यहाँ पे मार दिया। लेकिन गाइस अभी देखो इसको फिनिश कैसे करता हूँ, मतलब भाई कौन कैसे सोच सकता है कि उतने से फटी से कोई बंदा उसको फिनिश करे। उसको भाई एक समय के लग गया था कि भाई बच पाएगा, लेकिन वो बच नहीं पाया, अफसोस। गाइस एफ हो जाए इस बंदे के लिए। देखो अब देखो जब मैं उसको मार रहा था तो उसके पीछे से, घर के पीछे से उसको एक बंदा बचाने आ रहा था, मतलब पूरे मिल्टा में अभी बस एक लास्ट बंदा बचा है, और जोन भी आ रहा है, तो अब देखना कि इस लास्ट वाले बंदे को कैसे मारेंगे और मिल्टा हम क्लियर करके ही निकलेंगे। देखो यार काफी समय वेट करने के बाद मुझे फाइनली वो बंदा दिख जाता है कि भाई वो उधर से उड़ी मार के आ रहा है, तो और अब उसको भाई देखना क्या ही हेडशॉट पड़ेगा भाई, क्या ही, मतलब वो वॉल का कंपाउंड लेके धीरे 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 से कॉर्नर पे आता है। उसको लगा था कि वो मुझसे बच पाएगा, लेकिन यार तुम्हारे भाई के पास जब AWM हो ना, तो यार किसी का पप्पा तुम्हारे भाई को नहीं रखता। तो यहाँ पे हमने पूरा मिल्टा खाली कर चुके हैं हम लोग, और यहाँ पे हमारे 8 किल हो चुके हैं। तो यार अभी मिल्टा खाली करने के बाद सीधा अभी मैं जोन की तरफ बढ़ता हूँ, क्योंकि यार जो स्नाइपर ट्रेनिंग होती है ना उसमें जो जोन होता है वो बहुत तगड़ा डैमेज देता है। तो अभी देखो मैं जोन में जाता हूँ, तो फिर हम कट करते हैं और सीधा। अब देखो कते यार जोन में मेरा स्वागत कते ही फायरिंग से होता है, तो अब देखो ओपन में फाइट लेना तो कोई फैक्ट की चीज़ बनती नहीं है। तो यार मैं सबसे पहले देखो मुझे बंदा स्पॉट हो चुका था यहाँ पर, लेकिन मैं सोचा कि मैं घर पे जाऊंगा और घर पे से मुझे बहुत तगड़ा एंगल मिलेगा और ऊपर से, मतलब मैं इनको इजीली मार पाऊंगा, ठीक है। तो और अभी देखना यार ऊपर जाके मुझे बहुत सारे बंदे दिख रहे थे, समझ में ही नहीं आ रहा था कि किसको मारूं किसको नहीं। तो यार इसको एक बॉडी पड़ी और वो स्मोक में विलीन हो गया, तो मैं इसको मार नहीं पाया। लेकिन तभी अभी देखना, पता नहीं इसमें यहाँ पे कितने दो स्क्वाड या कितने स्क्वाड, समझ में ही कुछ नहीं आ रहा है। लेकिन अभी देखना कि ये देखो एक बंदा, इसको अगर ये हेड पड़ता ना भाई क्या मजा आ जाता भाई, अलग लेवल। और इसको मैंने स्मोक में नॉक कर दिया, ठीक है। और इसका एक दूसरा बंदा आता है, अभी इसको भी हम नॉक करेंगे, एक बड़ा बॉडी और ये गया नॉक, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने दो बंदे को नॉक कर दिया, और उसने जैसे ही उस बंदे को ख़त्म करा उसी टाइम पे नॉक होगा, तो भाई क्या ही खराब उसकी किस्मत, तो उसको क्या अलग लेवल पर खराब ही लग रहा है कि भाई उसको मार दिया और यहाँ पर से मैंने उसको मार दिया। तो गाइस अब देखो यहाँ पे मेरे 9 किल हो चुके हैं, और जैसे ये आखिरी वाला बंदा ख़त्म होगा तो मतलब मेरे टोटल 10 किल यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। तब देखो वो मर गया, ठीक है। तो यहाँ पर से अभी जैसे ही ये बंदा मरता है और मेरे से ऊपर से जोन निकल जाता है, तो अभी चलते हैं। अब देखो जोन में जाने के टाइम पे मुझे इस ब्रिज के साइड पे एक बंदा दिखता है, और इसको मैं एक बॉडी चिपका भी देता हूँ, और जैसे मैं सेकेंड टाइम स्कोपिंग करता हूँ तब पता चलता है कि भाई ये तो बॉट था, तो इसको हेडशॉट ही उड़ा देते हैं। अब देखो गाइस यहाँ पे मेरे साथ जो सीन होने वाला है ना वो बहुत गंदा होने वाला है, क्योंकि ये जो राइट साइड में पेट्रोल पंप है वहाँ पर एक बंदा कैम्प करके बैठा है, ठीक है। बहुत तगड़ा कैम्प किया है उसने, और अभी तक वो बाहर नहीं आया, लेकिन अब देखना कि वो क्या टाइम पे बाहर आएगा, और मतलब भाई क्या मारा मेरे को उसने। और भाई इस बंदे को तो मैंने क्या ही हेडशॉट से गिराया, पर लगे हाथों में उसको ख़त्म भी कर देता हूँ। अब देखना राइट साइड में देखना, वो दिखा मुझे दिखा, मैं जैसे उसको स्कोपिंग करने गया तभी मुझे उसने मार दिया। तो यार बस आज के गेम प्ले में इतने था, बहुत दिन से मैंने गेम प्ले
खेला भी नहीं था इसलिए मुझे हाथ नहीं बैठे थे मेरे गेम पे। तो कुछ नहीं यार, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।